तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल ही तू है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तू है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के क्लास में। आज का क्लास है 9th क्लास के बच्चों के लिए। एक्सरसाइज नंबर है 2.5 और क्वेश्चन है 7 का 2, 102 का पावर 3। 102 का पावर 3 का वैल्यू ज्ञात करना है, और ऐसा ना गलती करना है कि 102 गुना 102 गुना 102, ये गलती नहीं करना है। 102 का पावर 3 को बीजगणित का कोई फॉर्मूला लगाकर मान निकालना है। तो वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? वो फॉर्मूला है a+b का होल क्यूब, जो कि होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अभी हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² b + 3ab² इस फॉर्मूला का अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे 102 के पावर 3 का वैल्यू। तो अब आप सोचिए कि 102 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो 100 + 2 ब्रेक कर सकते हैं, है ना? ऐसे तो हम 99 + 3 भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अब 99 गुना 99 गुना 99 टफ है, और 0 वाला गुना आसान होता है, मालूम है ना आपको? हाँ, 10 गुना 10 तो 100 हो जाता है, लेकिन अब 99 गुना 99 तो फिर तो तनी मेहनत करना पड़ेगा। तो आपने 102 को लिखा 100 + 2 का होल क्यूब। अब आपका ए बन गया है 100 और बी बन गया है, बी कौन है रे, जे प्लस के बाद है से बी है, जे प्लस के बाद है से बी है, तो प्लस के बाद 2 है, तो बी हो गया आपका 2। अब पहले होता है ए क्यू तो 100 क्यू + b क्यू तो 2 क्यू + 3a² b 3a² b + 3ab² 3ab² जहां हम ए फॉर्मूला में लिखे हैं वहां हम 100 लिख दिए, और जहां बी फॉर्मूला में लिखे हैं तहां हम 2 लिख दिए। और 100 के पावर 3 तो 100 गुना 100 गुना 100 तो 1 पर 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। 2 का पावर 3 तो 2 गुना 2 गुना 2, ये तो इजी है, 2 गुना 4 गुना 8। अब इसको देखिए, इसमें बच्चा गड़बड़ाता है, इसमें 3 गुना 100 का स्क्वायर और 2। पहले तो 100 का स्क्वायर कर लीजिए तो 100 गुना 100 तो ये हो गया आपका 10,000, ठीक है। अब 3 गुना 2 कितना हुआ? 6। अब इसमें 6 से गुना करिएगा तो 6 × 6 और 4 को 0 बैठ जाएगा, 1 2 3 4 0, तो इस तरह से हो गया 60,000। और उसी तरह से 3 गुना 100 गुना 2 स्क्वायर, तो पहले 2 का स्क्वायर कर लिए 4, और 4 में 3 से गुना करके 12, और 12 में 100 से तो 1200, तो ये लाइन आपका क्लियर हो गया। अब यहां से यहां तक जितना संख्या है, इकाई है संख्या, 1000 10,000 10 लाख 10,08,60,000 1200, चारों को जोड़ दिए तो आपको इतना आ गया, यही आपका आंसर हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10,61,204, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 7 का 3, 998 का पावर 3। तो 998 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ऐसा ब्रेक करना है जिसमें 0 आ जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि 0 वाला गुना होता है सबसे आसान, ठीक है ना? तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि 998 को लिख देते हैं 1000 - 2। अगर 1000 में से 2 घटा दीजिएगा तो 998 आ जाएगा,
तो 998 के चलते हमने लिख दिया 1000 माइनस 2। अब इस पर फॉर्मूला काम करेगा कौन, तो a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें प्लस के जगह माइनस कर दीजिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab² दो जगह माइनस लगाइएगा, ठीक ना। तो a समझ रहे हैं 1000 को, अब b समझ रहे हैं 2 को, अब a माइनस बी का होल क्यूब देख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² हो गया। अब 1000 का पावर 3, तो इसका मतलब हो गया 1000 × 1000 × 1000 बराबर विद्युपुर बाजार। मजा आ गया, 1000 × 1000 × 1000 इसका मतलब हो गया कि आपको ध्यान दीजिएगा, 1000 × 1000 × 1000 तो इसमें आपका 3 × 3 = 9 आ जाएगा, एक पर आपका 9 आ जाएगा, 3 × 3 = 9 आ जाएगा। 1000 का पावर 3 मतलब 1000 × 1000 × 1000 3 × 3 = 9 आ जाएगा आपका। 2 के पावर 3 वेरी सिंपल, 2 × 4 × 8 अब 1000 का स्क्वायर करिएगा तो 1 × 6 = 0 आएगा, अब 3 × 2 कितना हो रहा है, 3 × 2 ये 3 है, ये 2 होकर 6 हो गया, और 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 6 = 0 तो 6 × 6 = 0 बढ़ जाएगा, 3 × 3 = 6 = 0 यहाँ 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर हुआ 4, और 4 × 3 का हो गया 12, और 12 में 1000 से गुना हुआ तो 12000। अब इसमें 2 संख्या है प्लस में, ये वाला है प्लस में और ये वाला है प्लस में, तो ये दोनों को जोड़ दिए तो इतना आ गया, और ये 2 संख्या है माइनस में, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो इतना आ गया, अब इसमें से इसको घटा दिया तो आपका इतना आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 99 करोड़ 40 लाख 11 हजार 992। तो यही हो गया आपका 998 का पावर 3 का वैल्यू। अब आ जाइए सवाल नंबर 8 में, गुणन खंडन कीजिए। गुणन खंडन करने का मतलब है दिए गए व्यंजक को ब्रैकेट के भीतर लाना है ताकि उसको गुना करे तो फिर से क्वेश्चन हमको मिल जाना चाहिए। तो 8aq + bq + 12a² b + 6ab² ठीक है, तो 8a के पावर 3 को लिख सकते हैं 2a का पावर 3, क्योंकि 2a × 2a × 2a तो 2 × 4 × 8 ए क्यू आ जाएगा आपको, इसके चलते ही लिख दिए। बी क्यू अपने जगह पर है, 12a² b को हम सजा दिए 3 × 2a² × b, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 × 4 = 12a² b आ जाएगा, और यहाँ 6ab² को लिख दिए 3 × 2a × b² 3 × 6 b² आ गया, 3 × 6 ab² आ गया। तो अब 2a को a समझ लीजिए और b को b समझ लीजिए, तो aq + bq + 3a² b + 3ab² तो ये हो जाता है a + b का इतना का सूत्र हो जाता है aq + bq + 3a² b + 3ab² इतना का सूत्र हो जाता है a + b का होल क्यूब, और a + b का होल क्यूब इतना पर ही चाहेंगे तो आंसर लिख कर छोड़ दे सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहेंगे तो इसका पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख दिए, 2a + 3b × 2a + 3b × 2a + 3b इसको 3 बार लिख दिए, हो गया काम तमाम। 8aq − bq − 12a² b + 6ab² 8aq को लिख सकते हैं 2a का पावर 3, bq अपने जगह पर, 12a² b को लिख सकते हैं 3 × 2a² × b 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 × 3 = 12a² b आ जाएगा, और 6ab² को लिख दिए 3 × 2a × b² इसको गुना करके मिला लीजिए फिर से आपको 6ab² आ जाएगा, 3 × 6 = 6ab² आ गया। अब ये फॉर्मूला हो गया आपका, देख लीजिए aq − bq − 3a² b + 3ab² इसका शॉर्ट होता है a − b का होल क्यूब, तो a − b का होल क्यूब आप a समझ लीजिए इसको और b समझ लीजिए इसको, तो a − b का होल क्यूब, आप पावर में 3 है तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार गुना कर दीजिए
यही आपका आंसर हो गया, यहाँ ये आंसर हो गया। 27 - 125 a³ - 135 a + 225 a² 27 को लिख सकते हैं 3 + 3 = 9 मिल जाएगा आपको, और 125 a³ को लिख सकते हैं 5 a³ = 3 5 * 25 25 * 125 आ जाएगा, a³ तो है ही। और 135 को क्या लिख दिए हैं 3 * 3² * 5 a, आप मिला लीजिए 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 हो गया, 9 * 5 = 45 हो गया, 45 + 135 हो गया, 40 + 20 = 5 + 3 = 15 120 + 15 = 135 समझ रहे हैं ना। तो 135 ए को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 * 3² * 5 a, और 225 a² को मैंने लिखा 3 * 3 * 5 a² 5 a² करिएगा तो 25 a² आएगा, 25 * 3 = 75 और 75 * 3 = 225 21 + 210 + 5 = 15 210 + 15 = 225 ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab² ये पूरे का फॉर्मूला हो जाता है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab² का फॉर्मूला a - b³ होल क्यूब होल क्यू है, इसको हम तीन बार लिख दिए, 3 - 5a * 3 - 5a * 3 - 5a हो गया आंसर। 8 * 64 a³ - 27 b³ - 144 a² b + 108 ab² 64 a³ को हम लिख सकते हैं 4a³ - 4a³ लिख सकते हैं, क्योंकि 4a * 4a * 4a करिएगा 4 * 4 = 16 a * a * a तो a³ आ जाएगा आपको। 27 b³ को 3b³ उसी तरह से 3b * 3b * 3b 27 b³ आ जाएगा। 144 a² b पूरा बता देते हैं 3a² b 4 * 16 = 48 4 * 4 = 16 = 48 48 144 a² b और यहाँ 108 ab² पूरा के बताते हैं आपको हम, देखिएगा 3 * 4 = 12 a और 3² = 9 12 * 78 = ab² फिर से 3b² कीजिए 9b² 9b² में 4 से गुना करिए तो 9 * 36 36 में 3 से गुना करिए 36 * 3 = 108 35 * 3 = 105 1 * 3 = 108 तो हो गया a³ - b³ - 3a² b + 3ab² इतना का सूत्र होता है a - b³ होल क्यूब इस पर क्यू है तो इसको एक बार दो बार तीन बार लिखा गया, यही आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए 8 * 27 pq - 1/216 - 9/2p² + 1/4p 27 pq को मैंने लिख दिया 3p³ आप 3p * 3p * 3p कीजिएगा ना तो आ जाएगा 3 * 3 = 9 * 27 और p * p * p तो p³ आ जाएगा है ना। चलिए 1/216 को मैंने 1/6 * 3 लिखा 1/6 * 1/6 * 1/6 करिएगा तो 1 * 1 * 1 तो 1 रह जाएगा और 6 * 1 = 36 * 6 = 216 आ जाएगा आपका। तो ये हो गया और यहाँ 9/2p² पूरा लीजिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा 9p² हो जाएगा तो 3 * 3p² करिएगा तो 9p² आ जाएगा और गुना 1/6 अब यहाँ 3 * 2 = 6 कट गया बच गया 9/2p² तो 9/2p² बचना चाहिए और 3 * 3p * 1/6 कर लीजिए तो 3 * 3p 1/6 * 1/36 अब 3 * 3 = 12 * 36 और 3 * 3 = 3 * 12 तब p/4 बच गया तो आपका देखिए p/4 है यहाँ पर। तो अब ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है a³ - b³ - 3a² b + 3ab² इसमें a है 3p और b है 1/4
छ, तो हो गया a माइनस बी का होल क्यू, और क्यू के चलते हम a दो तीन बार लिख दिए, थ्री पी माइनस एक बटा छ इंटू थ्री पी माइनस एक बटा छ इंटू थ्री पी माइनस एक बटा छ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा से पढ़ के अपने सपनों को पूरा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।